मैं हमेशा ना एक चीज की तलाश में रहती हूँ, वो है कंफर्टेबल फुटवेयर जो स्टाइलिश भी हो, थोड़ी सी हील भी हो और अफोर्डेबल भी हो. सो गाइस, फाइनली मुझे वो मिल गए हैं एंड आई एम श्योर मुझ जैसे और भी लोग होंगे जो ऐसा फुटवेयर ढूंढ रहे होंगे बट मिलता नहीं है गाइस. मतलब बहुत ही स्पेसिफिकेशंस है मेरे की प्लेटफॉर्म हील होनी चाहिए, ओवरली एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, देखने में भी अच्छा हो, कंफर्टेबल भी हो. बिकॉज गाइस, बहुत ज्यादा जब फुटवेयर पहन के चलना हो तो पैर दर्द होते हैं, दैट्स फॉर श्योर. सो फाइनली आई हैव देम फॉर यू. बहुत सारे तो नहीं है, 6 हैं बट बहुत सुंदर हैं. तो लास्ट तक वीडियो को देखना एंड लाइक जरूर करना. तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट वन दैट आई हैव इज दिस वन. एंड ये तो ये गत्ते के डब्बे गाइस भेजते हैं ना, इनमें बहुत ज्यादा उल्टी करने का मन करता है इनको स्मेल करके. बट लेट्स मूव ऑन टू द फुटवेयर. सो दिस इज द फर्स्ट वन दैट आई गॉट. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड बाटा. एंड गाइज, ये मुझे स्टील डील पे मिला है. आई गॉट दिस एट 69% ऑफ. ये इसका MRP है 1699 और मुझे ये 500 रुपए का मिला है. अगर आपको ये दिख जाए ना अभी डील पे, मैं बता रही हूँ, तुरंत ले लेना गाइज, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है. जस्ट लुक एट दिस. आप देखो, पहले एक दिखाती हूँ आपको. लुक एट दिस. सो गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा फैब्रिक टाइप का है और अच्छी सी वेलवेट टाइप की शाइन है इसमें. ये जो है ये कंफर्टेबल है बहुत ज्यादा. इसका जो नीचे का ये है ना, एक्चुअली गाइस स्केचर्स की चप्पल जो होती है ना उनमें ऐसा वाला आता है, मतलब कि इसको क्या कहते हैं, बेस आता है बट लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती है उनकी. बट ये 500 रुपए की मुझे मिली है. आई थिंक बाटा ने उनकी जैसी निकालने की कोशिश करी है. नीचे का जो सोल है इसको भी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है गाइज. एंड पहनने में ना, अच्छा इसका जो ग्रिप है वो काफी अच्छी है. लाइक मैं आपको बता दूं, मेरे जो पैर है वो नैरो है और पतले हैं और मेरा सबसे छोटा पैर है गाइज. मतलब मुझे 3 नंबर आता है, 36 साइज है मेरा पैर में. सो जो मोस्टली सबसे छोटा साइज होता है ना वो मुझे आता है, तो मुझे 36 आया है इसमें एंड बिल्कुल फिट आया गाइज. मुझे इसकी ग्रिप बहुत अच्छी. अगर आपके पैर बहुत ज्यादा चौड़े हैं ना तो आपको ये नहीं आएगा, बिकॉज ये थोड़ा सा नैरो टाइप का है, बट मेरे लिए परफेक्ट है. ये इसकी ग्रिप इतनी अच्छी गाइज, प्लस ये जो कलर है, हील भी बिल्कुल परफेक्ट है. मुझे ऐसी हील चाहिए होती है जो प्लेटफॉर्म या फ्लैटफॉर्म, इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म हील या फिर प्लेटफॉर्म हील कह लो. सो बिकॉज ये ऐसी एक बराबर होती है ना, इससे आपका पैर बहुत ही कंफर्टेबल रहता है. तो अगर आपको बहुत देर तक वॉक भी करना होता है ना तो आपका पैर दुखेगा नहीं उसमें. एंड बाटा तो गाइज क्वालिटी के लिए जाना जाता है. जब मैं स्कूल में थी तब मेरे शूज भी ना स्कूल वाले बाटा से आते थे. एंड अब उन्होंने थोड़ा सा अपना क्वालिटी बढ़ाना स्टार्ट किया, डिजाइन अच्छे लाने स्टार्ट किए. ये मुझे बहुत अच्छा लगा. इट्स वेरी वेरी क्यूट, वेरी वेरी कम्फी, डेफिनेटली अ मस्ट बाय. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन व्हिच इज आल्सो फ्रॉम बाटा. मैंने सोचा पहले आपको बाटा वाले दिखा देती हूँ जो मैंने लिए हैं. ये भी गाइस बड़ा ही सुंदर है और इसका कलर इतना सुंदर है ना, मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लुक एट दिस, हाउ प्रिटी. मतलब एक्चुअली बेसिकली मेरा मोटिव इस बार ये था फुटवेयर जब मैं ले रही थी कि ऐसी वाली हील होनी चाहिए गाइज. मतलब जो हील भी, बिकॉज आई एम 5 feet 3 inches, तो थोड़ी सी हील अगर मुझे फुटवेयर में मिल जाए तो आई डोंट माइंड. तो थोड़ी सी हील हो बट कंफर्टेबल हील हो तो चलने में बहुत ज्यादा, जैसे स्पेशली जब मॉल वगैरह जाओ ना गाइज, अनकंफर्टेबल चप्पल पहन जाओ, इतना पैर दुखता है उसके बाद आने के बाद. तो मुझे था कि भाई अब मुझे कंफर्टेबल चप्पल्स लेनी है, तो मैंने इस बार काफी सारी ले ली है. आई एम सॉर्टेड नाउ लिटरली. सो दिस इज द वन दैट आई गॉट. इसका भी जो गाइज सोल है आप देखो, प्लेटफॉर्म है. ये इस तरीके से आगे है बट ये जो आगे है ना ये चुभ नहीं रहा, और ये जो है ये थोड़ा फैब्रिक टाइप का है, ऐसे स्वेड टाइप का, बहुत ही कंफर्टेबल है. इसका जो सोल है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी कंफर्टेबल गाइज. एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम बाटा. द कलर इज सो प्रिटी, सुंदर सा लैवेंडर कलर है. अगर आपका वाइड फुट है तो भी आपको आ जाएगा, आप देख सकते हो ये आगे से वाइड है. मेरे लिए परफेक्ट है, साइज मुझे 36 आया है. एंड गाइज सबके लिंक्स नीचे होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. एग्जैक्ट प्राइसेस मुझे याद नहीं है सबके, बट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड ऑल्सो बिकॉज अभी अमेजोन पे बहुत ज्यादा अमेजिंग गाइज सेल चलने वाली है और चल रही है शायद, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं सारी चीजों पर. तो ये ना परफेक्ट टाइम है इनको खरीदने का, बिकॉज इस टाइम बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं. सो गाइज, जितने भी मैं आपको फुटवेयर दिखा रही हूँ ना, दे आर क्वालिटी फुटवेयर, मतलब गुड क्वालिटी फुटवेयर. मतलब ये गाइज वो वाले नहीं है 400-500 रुपए वाले जो आपने 4 दिन पहने फिर वो खराब हो गए, उसके बाद आपके पैर दुखा दिए उन्होंने. ये मैंने अच्छी क्वालिटी के लिए, बिकॉज आई नो जो लोग ऑफिस जाते हैं,
कॉलेज जाते हैं या जिनको पैर में प्रॉब्लम होती है उनको कुछ कंफर्टेबल चाहिए होता है, भले उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे खर्चने पड़े, तो ये उनके लिए है जिनको अच्छा क्वालिटी फुटवेयर चाहिए डेली वेयर के लिए। सो दिस इज द नेक्स्ट वन दैट आई गॉट। और गाइस इस वाले को ना मैं बहुत टाइम से आए कर रही थी, मतलब एक्चुअली मैं ना शॉपर स्टॉप गई थी तो तब मैंने यहाँ वहां पर ये ट्राई किया था और ये न्यू कलेक्शन में था गाइस, इस पर एक भी रुपए का डिस्काउंट नहीं था, तो मुझे ये ज्यादा एक्सपेंसिव लगा बिकॉज 2500 रुपए का मिल रहा था, तो मुझे उतना पैसा नहीं खर्चना था गाइस एक फुटवेयर पे। ये मुझे अमेजोन पे गाइस 1200 रुपए का मिल गया डिस्काउंट पे, उस टाइम ऑफर चल रहा था, मैंने तुरंत इसको ले लिया एंड आई एम सो हैप्पी आई गॉट इट बिकॉज जस्ट लुक एट इट, सो नाइस गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव न्यूड कलर्स, ब्राउन कलर्स, ये बहुत चीजों के साथ चला जाएगा गाइज। और इसका ये जो आगे है ना बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंफर्टेबल है, आगे से अच्छी बहुत ग्रिप आती है इसमें। इसका जो नीचे का सोल है दैट इज वेरी नाइस, आप देखो बहुत ही कंफर्टेबल है, प्रॉपर एकदम हील आई थिंक 2 इंच की शायद होगी, सो बहुत अच्छा, एक एलिवेट भी करता है, आपकी हाइट भी देता है आपको। मैंने इसमें साइज पहना 36, इसमें शायद एक और कलर आता है, क्रीमिश सा कलर आता है, मैंने ये वाला कलर लिया है, विच इज सो नाइस गाइज। मतलब ये लिटरली मैं बहुत सारी चीजों के साथ पहन सकती हूँ, ये ऐसा फुटवेयर है कि बस पैर में डाला और बाहर निकले, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल इट्स वेरी वेरी नाइस। अभी सब मैं ऐसे हाथ से छू रही हूँ गाइस बिकॉज ये मैंने पहने नहीं हुए हैं अभी, तो साफ है, अदरवाइज ऐसे मुंह के अंदर बाल मास लाकर हाथ से छू रही हूँ तो दैट इज नॉट हाइजीनिक, बट ये मैंने अभी तक बाहर पहने नहीं है सो आई कैन टच देम लाइक दिस। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी नाइस पेयर ऑफ फुटवेयर, वेरी ट्रेंडी, वेरी स्टाइलिश बट वेरी कंफर्टेबल, रियली गुड फॉर ऑफिस वेयर, कॉलेज वेयर, एवरीडे वेयर। अगर आपको अभी ये डिस्काउंट पे मिल जाता है मौका मत गवाना। अदर पेयर ऑफ फुटवेयर दैट आई गॉट इज दिस वन। सो गाइज ये वाला भी ना मैं अमेजोन पे बहुत टाइम से देख रही थी, सो ये दिस इज फ्रॉम द ब्रांड मेट्रो, एंड ये ना जो क्रॉक्स आते हैं ना जो कि ओवरली एक्सपेंसिव होते हैं, थोड़ा सा उनका जैसा इन्होंने डिजाइन बनाया है इसका। आप देखो थोड़ी सी हील है इसमें, जो फ्लैट फॉर्म हील होती है, जो ऐसे बेसिकली जो फ्लैट चप्पल होती है बट उसमें हील होती है उसको फ्लैट फॉर्म कहते हैं गाइज, प्लेटफॉर्म कह लो या प्लेटफॉर्म, ये सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। इसका प्लास्टिक वाला जो सोल होता है ना उस टाइप का है बट वेरी वेरी कंफर्टेबल सोल, जो को अच्छे से प्रेस भी हो रहा है, ऊपर ग्लिटर स्ट्रैप्स हैं आप देखो, बट ये जो ग्लिटर है ना गाइज ये निकलता नहीं है, आप देखो इट्स नॉट कमिंग आउट, सो दैट्स अ गुड थिंग, ऐसा नहीं ग्लिटर पूरा निकल जाए, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इसमें और भी कलर्स थे गाइज, इसमें एक बेज सा कलर था, एक रस्ट कलर था न्यूट्रल्स पे, आई गॉट दिस ब्लैक कलर बिकॉज ब्लैक लिटरली गोज विद एवरीथिंग, ये थोड़ा सा पार्टी वेयर टाइप का भी है, आप इंडियन वेयर के साथ इसको पहन सकते हो, वेस्टर्न वेयर के साथ आपको इसको पहन सकते हो, बहुत सारी चीजों के साथ पहन सकते हो इसके साथ। लेकिन मुझे एक इशू आ रहा है, मेरा साइज जो है वो 36 है पैर का, मेरा पैर जैसे मैंने आपको बताया बहुत पतला है, तो मेरे पतले पैर के लिए थोड़ा सा ज्यादा चौड़ा है, तो अगर आपका वाइड पैर है ना तो ये आपको बहुत सही लगेगा बिकॉज मेरा पैर पतला है तो थोड़ा सा उसमें स्पेस छूट रही है मतलब मेरे पैर के लिए, बाकी अच्छा है गाइस बहुत कंफर्टेबल है मुझे। और क्रॉक्स 5000 से लेने से अच्छा है 1000 रुपए का आप ये ले लो। देयर आई गॉट इज दिस वन, अब इसको मैं पहन चुकी हूँ गाइस, आप ये देखो इस तरीके का है ये, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंक 5 गाइस। मुझे ना एक वाइट चप्पल लेना था, वाइट फुटवेयर लेना था जो थोड़ा सा हील वाला भी हो और कंफर्टेबल भी हो, ये मुझे परफेक्ट लगा गाइस बिकॉज देखो एक तो वाइट है, इसमें हील है यहाँ पे प्रॉपर, बहुत अच्छा फोमी वाली इसकी जो सोल होता है ना वो है, ये फैब्रिक का है, इसमें अच्छी सी शाइन है देखो, ये थोड़ा सा ऐसे एनिमल प्रिंट टाइप का, कुछ स्नेक प्रिंट टाइप का किया हुआ है इन्होंने, नीचे का सोल बहुत अच्छा है इसका, 1000 रुपए कुछ का ये भी मिला था मुझे, इंक 5 का है, साइज 36 है, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे पर्सनली, एंड एक्चुअली यू नो व्हाइट गोज विद अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप देखो व्हाइट ना बहुत सी चीजों के साथ चला जाता है, बहुत सारे कपड़ों के साथ जाता है, जैसे बिकॉज देखो बहुत सारे आउटफिट्स में या तो व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, तो अगर आप एक व्हाइट फुटवेयर ले लो और एक ब्लैक फुटवेयर ले लो गाइस तो आप सॉर्टेड हो जाओगे। बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, इसको मैं मॉल पहन के गई थी एंड मेरा पैर बिल्कुल नहीं दुखा गाइस बिकॉज बहुत चलना पड़ता है मॉल में, मॉल जाओ गाइस तो एक बार में 5000-6000 स्टेप्स हो जाते हैं लिटरली, तो इसको पहन के गई थी बिल्कुल नहीं पैर दुखा, बहुत चीजों के साथ जाएगा इसको ना, वेस्टर्न वेयर इंडियन वेयर दोनों के साथ ही अच्छा लगेगा, मतलब मैं दोनों के साथ पहन चुकी हूँ, लुक्स गुड विद ऑल ऑफ देम, वेरी वेरी कंफर्टेबल एज वेल, सो डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन। पेयर ऑफ फुटवेयर आई वांट टू शेयर विद यू इज दिस वन, सो दिस इज माई क्रॉक्स गाइज, जो मैं डेली घर पे पहनती हूँ, दिस इज माई चप्पल, घर की चप्पल, सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक गाइज, एंड दिस इज लाइक एपिटोम ऑफ कम्फर्टनेस, मतलब मैं ये कहूंगी कि डेफिनेटली क्रॉक्स एक्सपेंसिव होते हैं गाइज, मतलब 5-6-2-3 ऐसे ही 1000 के आते हैं, काफी एक्सपेंसिव होते हैं बट डिस्काउंट पे आपको बहुत अच्छी डील मिल जाएगी। ये 2500-3000 का है, मुझे ये डिस्काउंट पे 1200-1500 का मिला, सो बहुत अच्छी डील मिली। एंड गाइज जब से मैंने इसको पहना है ना मुझे पता चल गया कि लोग क्यों क्रॉक्स पहनते हैं, बिकॉज इट इज
सुपीरियर ऑफ कम्फर्टनेस, बहुत कंफर्टेबल है गाइस। घर में आप कितना भी इसको पहन के चलो आपका पैर नहीं दुखेगा, स्वेटिंग नहीं होती पैर में। अगर ये चप्पल गीली भी हो जाती है ना तो तुरंत सूख जाती है, बिल्कुल स्लिप नहीं मारती बाथरूम में। एंड इसको मैं पहन के बाहर भी चली जाती हूँ, मार्केट भी चली जाती हूँ। ये जो इसके ऊपर ये सब चिपका है, जिबिट्स बोलते हैं इसको, चार्म्स बोल सकते हो, ये मैंने अलग से लिए गाइस। ये सिर्फ चप्पल ही मिलेगी आपको, इसमें बहुत सारे और भी कलर्स आते हैं। बट अगर आप एक घर पे पहनने के लिए एवरी डे वेयर के लिए कंफर्टेबल थोड़ी सी हाइट वाली चप्पल चाहते हो ना, बस घर पे थोड़ी सी हाइट हो जाती है, सॉरी गाइस, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। मतलब एक बहुत ही कंफर्टेबल से घर पे पहन के चप्पल चाहते हो तो आपके ले लो गाइस। ये ना खराब नहीं होने वाली, कभी भी आप बोर हो जाओगे इससे बट ये खराब नहीं होगी। रफ टफ जैसे मर्जी इसको यूज करो, इसको धुलो, इसको वॉश कर लो, गंदी हो जाए इसको आप मिट्टी में डाल दो, ये फटती नहीं है, टूटती नहीं है, खराब नहीं होती। तो अगर आपको एक अल्टीमेट कंफर्टेबल ड्यूरेबल चप्पल चाहिए घर पे पहनने के लिए तो इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो, मैं आपको बता रही हूँ, आप पछताओगे नहीं। बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा कंफर्टेबल चप्पल है। सो गाइस, दिस वर ऑल द टाइप्स ऑफ फुटवेयर दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू। अब मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया कंफर्टेबल अच्छी क्वालिटी की थोड़ी सी हील वाली चप्पल ढूंढने में, और आपका काम मैंने बहुत ईजी कर दिया। ये सारी बहुत अच्छी अच्छी चप्पलें मैंने आपको ढूंढ के दी है। कुछ का प्राइस ओके होगा, कुछ का प्राइस हजार रुपये कुछ का होगा, बट सब बता रही हूँ वर्थ इट है गाइस। अगर आप एक अच्छी चप्पलें चाहते हो कंफर्टेबल टाइप की, कोई भी ले लो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। इसी के साथ गाइस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑल्सो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ऑल्सो गाइस, वीडियो में अभी तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हो, थैंक यू सो मच। जय हिंद।